सेंट आरसी एजुकेशनल मिशन के तहत 1988 में स्थापित सेंट आरसी साइंटिफिक कॉन्वेंट स्कूल शामली सीबीएसई नई दिल्ली से 12वीं कक्षा तक मान्यता प्राप्त है। यह सह शैक्षिक अंग्रेजी माध्यम वाला विद्यालय है। हरे भरे मनोहारी वातावरण से सुसज्जित विस्तृत शांत एवं खुले परिवेश में फैला हुआ यह विद्यालय हर प्रकार से प्रदूषण रहित है। विद्यालय शिक्षण की वैज्ञानिक विधियों से परिपूर्ण क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय के रूप में उभर रहा है। सेंट आरसी साइंटिफिक कॉन्वेंट स्कूल अत्याधुनिक और मूल्य आधारित तथा उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करने में सक्षम है। सन 2002 में कक्षा 10 में इस विद्यालय का परीक्षा फल 100% रहा है। शामली में सर्वोच्च प्रथम स्थान, सर्वोच्च तृतीय स्थान व जिले में गणित में सर्वोच्च प्रथम स्थान प्राप्त विद्यार्थी इसी विद्यालय से हैं। इसके अतिरिक्त सीबीएसई के अनुसार हमारे विद्यालय ने 124 विषयों में 60% या अधिक और 56 विषयों में ग्रेड ए प्राप्त किया है। इसमें विद्यार्थियों के शैक्षिक उत्थान हेतु नियमित कक्षा पठन पाठन कार्यक्रम के साथ साथ नियमित मूल्यांकन परीक्षाएं भी आयोजित की जाती हैं। विद्यालय की प्रयोगशालाएं सीबीएसई द्वारा निर्धारित तथा एनसीईआरटी द्वारा स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम तंत्र द्वारा निर्धारित आकार की पूर्ण विश्वसनीयता के साथ तैयार कराई गई हैं। प्रयोगशालाएं विद्यार्थियों में रचनात्मक सोच से परिपूर्ण करने वाली वैज्ञानिक शैली के विकास के लिए हर प्रकार के संयंत्रों से भलीभांति सुसज्जित हैं। इसके अतिरिक्त विभागीय और प्रयोगशाला सहायक विद्यार्थियों को वैज्ञानिक सिद्धांतों के बारे में अधिक जानने को उत्सुक बनाने में प्रशिक्षित हैं तथा उनके ज्ञान को उनके परिवेश में हो रही विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं से संयोजित करने में सक्षम हैं। बायोलॉजी जीवन का विज्ञान है और दूसरे विज्ञानों की तरह बायोलॉजी का अध्ययन भी अपूर्ण होता है यदि विभिन्न तथ्यों का विभिन्न प्रयोगों या परीक्षण द्वारा अध्ययन व सत्यापन न किया जाए। स्कूल प्रयोगशालाएं विद्यार्थियों को संरचनात्मक कार्य जीवों का बाह्य आकार प्रकार का अध्ययन निर्वाह कराने की पूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराती है। साथ ही अंतः संरचनात्मक कार्य डिसेक्शन द्वारा आंतरिक रचना का अध्ययन और सूक्ष्म संरचनात्मक कार्य जिसमें जीवों के विभिन्न अंगों का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन होता है की भी सुविधा उपलब्ध कराती है। फिजियोलॉजिकल कार्य जिसमें जीव की संरचना और उसके कार्य के बीच संबंध का अध्ययन होता है कराने के लिए विद्यालय की जीव विज्ञान प्रयोगशाला सभी प्रकार के यंत्रों तथा संयंत्रों से सुसज्जित है ताकि विभिन्न प्रयोग संपन्न कराए जा सकें। रसायन प्रयोगशाला भावी रसायनज्ञों की कार्यशाला है। इसमें विद्यार्थियों को रासायनिक पदार्थों के निर्माण की तकनीक पहचान और विश्लेषण सिखाया जाता है। यह प्रयोग में आने वाले रसायनों प्रत्येक संयंत्र का समुचित प्रयोग सिखाने और प्रयोग करते समय आवश्यक सावधानियों को सीखने का उपयुक्त स्थान होता है। विद्यालय की रसायन प्रयोगशाला उचित प्रकार से सुसज्जित है। प्रयोग प्रदर्शन हेतु मेजें, अभिकारक प्रकोष्ठों सहित विद्यार्थियों की मेजें, सिंक, पानी की टैप, गैस की टैप, पार्श्व प्रकोष्ठ, फनल अलमारी
तुला कक्ष और प्रदूषण निवारक पंखे। विद्यालय की भौतिक प्रयोगशाला विलक्षण है। संयंत्रों का चुनाव और उनकी सेटिंग, पूर्व उपयोगी मापन करना, सावधानी पूर्वक परिणाम निकालना, साथ ही साथ मापक यंत्रों की सीमाओं का एहसास करना और तब सर्वश्रेष्ठ उपयोग प्राप्त करने के लिए प्रयोगात्मक परिणामों का प्रयोग करना भौतिकी में एक मजबूत आधार बनाने के लिए विद्यार्थियों को सिखाया जाता है। प्रत्येक विद्यार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है और प्रयोग करने में विभाग से संबद्ध किया जाता है। सेंट आरसी साइंटिफिक कॉन्वेंट स्कूल में स्कूल का पुस्तकालय आदर्श पठन सुविधाओं वाले एक बड़े कक्ष में स्थित है। विभिन्न विषयों की पुस्तकें विभिन्न प्रकोष्ठों में अलग अलग व्यवस्थित हैं। विभिन्न नियमित पत्र और पत्रिकाएं विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जाती हैं और पुस्तकालय में सभी प्रकार के दैनिक समाचार पत्र उपलब्ध होते हैं। ये प्रकाशन विद्यार्थियों की तार्किक क्षमता और बौद्धिकता का संवर्धन करते हैं। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को अपना खाली समय पुस्तकालय में व्यतीत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। विद्यालय खेलकूद को विशेष प्राथमिकता देता है। विद्यार्थियों को बड़े पैमाने पर खेलकूद की सुविधाएं, उनमें से सर्वश्रेष्ठ को निकालने के लिए कुशल प्रशिक्षक के नेतृत्व में उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके अतिरिक्त खेलकूद तनाव कम करने, विद्यार्थियों को स्वस्थ रखने तथा टीम भावना, सहयोग और आपसी संतुलन जैसे गुण विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। विद्यालय में उचित क्रीड़ा सुविधाएं उपलब्ध हैं। बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, स्केटिंग रिंक, वॉलीबॉल, और निशानेबाजी आदि। सौ मीटर दौड़, बाधा दौड़, भाला फेंकना, ऊंची कूद और शॉर्ट पुट फेंकना जैसे खेलकूद भी आयोजित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त खो खो, कबड्डी और जूडो कराटे जैसे खेल भी विद्यालय परिसर में आयोजित किए जाते हैं। कला में प्रशिक्षण निपुण प्रशिक्षकों द्वारा दिया जाता है और विद्यालय भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय कराटे फेडरेशन से भी मान्यता प्राप्त है। विद्यालय 11वीं कक्षा में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी को 6000 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान करता है, बशर्ते उसने CBSE या ICSE बोर्ड के शामली स्थित किसी स्कूल से 10वीं कक्षा में 60% या अधिक अंक प्राप्त किए हों। विद्यालय की कंप्यूटर प्रयोगशाला अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है। किसी भी दृष्टिकोण से, किसी भी विभाग से यदि तुलना की जाए तो यह शामली के किसी भी दूसरे कंप्यूटर केंद्र से अधिक अच्छी है। विद्यालय पूर्व अवस्था सबसे अधिक महत्वपूर्ण और प्रभावी होती है, इसीलिए विद्यालय में 2.5 वर्ष या अधिक उम्र के शिशुओं के लिए प्ले कक्षा की शुरुआत की गई है। यह शिशु के लिए एक विलक्षण और आदर्श घर के समान है, जहां उसे खेल खेल विधि द्वारा शिक्षा ग्रहण करने की ओर उन्मुख किया जाता है।
सभी कक्ष सुसज्जित हैं तथा खेल और नृत्य सुविधाओं से परिपूर्ण हैं, जिन्हें प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा खेल विधि द्वारा शिक्षा दी जाती है। संगीत कैसेट, कलर टीवी, कविता कैसेट, शिशुओं के खेल खिलौने रखने के प्रकोष्ठ, सुंदर और मनोहर चार्ट, मैदान के खेल और शिशुओं के आकर्षक पार्क एवं ऑडियो विजुअल सहायक सामग्रियों के समुचित प्रयोग द्वारा बच्चों के व्यक्तित्व के चहुंमुखी विकास पर जोर दिया जाता है। दर्शनीय स्थलों के भ्रमण के आयोजन समय समय पर किए जाते हैं। विद्यार्थी प्रत्यक्ष देखने द्वारा अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। विद्यालय केवल ऐतिहासिक या भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर ही भ्रमणों का आयोजन करता है। दूसरे शैक्षिक सेमिनार एवं प्रदर्शनियां जैसे कि व्यापार मेला आदि स्थानों पर भी विद्यालय के भ्रमण आयोजित किए जाते हैं, जहां विद्यार्थियों को प्रत्येक क्षेत्र में अत्याधुनिक विकास से रूबरू किया जाता है। स्कूल बसों का एक विशाल समूह शामली के प्रत्येक स्थान व प्रत्येक कोने से बच्चों के आवागमन का निर्वाह करता है। कुछ मारुति वैंस और रिक्शाएं भी बच्चों को लाने ले जाने के लिए प्रतिबंधित है। विद्यालय शिक्षा को एक ऐसी प्रक्रिया समझता है जिसके द्वारा शिशु संवेदनशील, शारीरिक रूप से स्वस्थ, बौद्धिक सकारात्मक व अध्यवसायी रूप से जागरूक व्यक्ति के रूप में विकसित हो, जो दूसरे के साथ सहिष्णुतापूर्ण परस्पर उपयोगी होकर समाज में सुख पूर्वक रह सके और संपूर्ण व सुसम्य समाज का निर्माण करें। Efficient faculty, effective management, and the students collectively make the best environment for the healthy education. And I find all these in my school. My school gives an extra edge to face this competitive world. I am getting this academically and socially. I think I am getting all the motivating forces from my school. मुख्य रूप से प्ले कक्षा एलकेजी व यूकेजी कक्षाओं के लिए प्रवेश प्रारंभ है, जिसके लिए शिशु की आयु सीमा 2.5 वर्ष से 5 वर्ष है। एनरोलमेंट फॉर्म विद्यालय में उपलब्ध है। प्रवेश तिथियां निम्न प्रकार से हैं। प्ले कक्षा के लिए प्रत्येक माह की पहली तारीख से 15 तारीख तक, नर्सरी एवं केजी कक्षाओं के लिए 15 फरवरी से लेकर, कक्षा 9 के लिए 25 मार्च से 15 अप्रैल तक और कक्षा 11 के लिए 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक और 25 जून से 5 जुलाई तक। प्रवेश संबंधी अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सेंट आरसी साइंटिफिक कॉन्वेंट स्कूल, नई मंडी, अपोजिट गर्ल्स पॉलिटेक्निक, शामली। दूरभाष 251068 2527649837।
7 0 2 8 7 6 2।